नमस्कार, जनशक्ति न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विवेक पाठक। मीडिया को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का दर्जा दिया जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि समाज का आईना मीडिया ही होती है, फिर वो चाहे अखबार हो या फिर टीवी चैनल। लेकिन जब मीडिया समाज के सच को सामने लेकर आता है या उसकी कोशिश करता है, तो ऐसे में उस पर हमला हो जाए तो उसे क्या माना जाए। दरअसल ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ और एंकर अर्णब गोस्वामी पर मुंबई में बीती रात हमला हुआ। ये हमला उन पर उस वक्त हुआ जब वो अपनी पत्नी के साथ घर जा रहे थे। हमला करने वाले दो लोगों ने उनकी गाड़ी को रोका और गाड़ी का शीशा तोड़ने की कोशिश की। हमलावरों के पास स्याही से भरी एक बोतल भी थी। हालांकि अर्णब गोस्वामी के सुरक्षा कर्मियों द्वारा हमलावरों को पकड़ लिया गया, उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मीडिया पर हुआ यह हमला पत्रकारों को डराने के लिए है? क्या इस हमले के जरिए यह बताने की कोशिश की गई है कि जो भी पत्रकार किसी खबर को लेकर सच बोलेगा उस पर हमला करके उसे चुप कराया जाएगा? जनसत्य न्यूज अर्णब गोस्वामी पर हुए इस हमले की कड़ी निंदा करता है। यहां हम किसी चैनल या व्यक्ति विशेष का पक्ष नहीं ले रहे हैं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के हर उस शख्स के साथ खड़े होने का प्रयास है। ये आवाज है जनसत्य न्यूज की, जो जिम्मेदार पत्रकार की भूमिका निभा रहा है। हम उसके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। समाज के चौथे स्तंभ पर हमला होना एक शर्मनाक घटना है, और वो भी तब जब एक निर्भीक पत्रकार समाज का आईना देश की जनता के सामने लाने की कोशिश करता है। दरअसल रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ और एंकर अर्णब गोस्वामी पर मुंबई में 23 अप्रैल की देर रात दो लोगों ने हमला किया। हालांकि हमले की इस कोशिश में ये हमलावर नाकाम रहे, तो उन्होंने अर्णब की कार पर ही स्याही फेंक दी। इस हमले के वक्त उनकी पत्नी भी उनके साथ थी। इस घटना के बाद दोनों आरोपियों को पकड़ लिया गया और उनसे पूछताछ जारी है। वही MM जोशी पुलिस स्टेशन में IPC की धारा 341-504 के तहत FIR दर्ज हुई है। इस हमले के बाद अर्णब गोस्वामी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने इस हमले का दोषी सोनिया गांधी को बताया है। अर्णब पर हुए इस हमले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि हम अर्णब गोस्वामी पर हमले की कोशिश की निंदा करते हैं। अगर इस मामले में शिकायत हुई है तो पुलिस को मौजूदा कानून के मुताबिक कार्रवाई करनी चाहिए। तो क्या कुछ लोग पत्रकारों पर हमला कराकर मीडिया को चुप कराने की कोशिश में हैं? आज ये हमला एक पत्रकार पर हुआ है, तो क्या ऐसा नहीं होगा कि ये हमले आने वाले वक्त में कई और पत्रकारों पर हो? जनसत्ति न्यूज पत्रकारों पर हुए हमलों की कड़ी निंदा करता है, चाहे फिर वो किसी भी टीवी चैनल से हो या फिर किसी भी अखबार से ताल्लुक रखते हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। तो देखा आपने, बात सिर्फ इतनी है कि अगर आप इस समाज में रह रहे हैं, देश में रह रहे हैं, तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ के तौर पर अगर पत्रकारिता को रखा जाता है, पत्रकार को उसकी अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है, और अगर पत्रकार उस जिम्मेदारी के तहत सच को सामने लेकर आता है, बात अलग है कि उस पर उन तर्क पर वितर्क पर हो सकता है कि अपनी अलग अलग राय हो, मशवरे हो, लेकिन इस तरह से किसी पत्रकार पर हमला करने का ये जो फैसला जिसने भी ये पत्रकारों पर हमला किया, क्या ये ठीक है? ये आम समाज को सोचना होगा, क्योंकि एक मीडिया ही एक ऐसा तंत्र है, एक मीडिया ही एक ऐसा पक्ष है जिसके बाद चाहे समाज का कोई भी वर्ग हो, सच्चाई से रूबरू कराने के लिए पत्रकार जमीन आसमान एक करता है। अभी जो कोरोना जैसे हालात चल रहे हैं, उसके बाद भी कई पत्रकार घर से बाहर निकल कर आते हैं और आप तक सच्चाई लाने के लिए प्रयासरत हैं। ऐसी स्थिति में जब पत्रकार पर हमला होगा तो वो कितना सही है और कितना इसके लिए लोग गुनहगार हैं और क्या उनके लिए सजा मिलनी चाहिए, देश की सरकार और देश की जनता तय करेगी। फिलहाल जनसत्य न्यूज की तरफ से इतना ही, और अगर आपको हमारी विशेष प्रस्तुति पसंद आई हो और आपको लगता है कि आपको पत्रकारों का साथ देना चाहिए, मीडिया के साथ खड़े होना चाहिए, तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ जनसत्य न्यूज को आप हमें फेसबुक पर फॉलो लाइक कीजिए, यूट्यूब पर आप हमें जनसत्य न्यूज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। देखते रहिए जनसत्य न्यूज, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।